हेलो योद्धा, वह पुनः एग्जाम में आपका स्वागत है। टॉपिक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये तो हमने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि पढ़ना है हमको दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो फिल्मों में तमाम कैटेगरी होती हैं, निर्देशक होता है, क्रिटिक्स होते हैं, वेब सीरीज होती हैं, इनमें जो पुरस्कार दिया जाता है, तो हमें पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च है, ऐसे ही दादा रक्षा के क्षेत्र में परमवीर चक्र पुरस्कार और फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे ही देखेंगे दादा साहब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दादा साहब फाल्के जो है एक फिल्म निर्माता थे, 1969 से ये स्टार्ट हुआ था पुरस्कार वितरण। 1913 में इन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो मूक फिल्म थी उसका जो है इन्होंने निर्माण किया था। ठीक, यह पुरस्कार किसकी बात कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये बहुत पूछा गया है 2-3 बार क्वेश्चन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वितरण होता है इनका, जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वितरित होते हैं। प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्तकर्ता देविका रानी, पुरस्कार राशि 1 प्रशस्ति पत्र, 1 शॉल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था और 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक, अब पढ़ेंगे हम जो फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, वेब सीरीज जो अन्य तमाम श्रेणियों में दिए जाते हैं, वो दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड एक फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये अभी हाल ही में 20 फरवरी को मुंबई में जो है, मुंबई में इनका आयोजन हुआ। ठीक, तो इसमें हम पढ़ लेंगे मेन कौन से पुरस्कार है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज झुकेगा नहीं साला, जिसका डायलॉग जो है बहुत फेमस हो गया है। इसके निर्देशक हैं सुकुमार। ये फिल्म चंदन की लकड़ी पे, लाल चंदन की लकड़ी के तस्करी पे बनाई गई है। पुष्पा द राइज जिसमें जो है एक्टिंग की है अल्लू अर्जुन ने, जो साउथ के एक्टर हैं, और रश्मिका मंदाना ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है इसीलिए हमने पास पास में रखा है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब साल की जो है बेस्ट फिल्म, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह जो कि मनोज पांडे जो हमारे शहीद महान शहीद सैनिक हैं उन पर ये फिल्म बनी है शेरशाह। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, इसके लिए नहीं सॉरी, इसमें जो है एक्टिंग की थी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। ठीक, उसके लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है दिया गया था सिद्धार्थ मल्होत्रा को, किसके लिए, शेरशाह के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला, किस फिल्म के लिए, 83 के लिए। अच्छा, ये पुरस्कार जो 2021 में ये आयोजन हुए, ये फिल्में आई हैं उस पे जो है 2022 में स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। 2022 में जो अच्छा होगा वो 2023 में दे दिया जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83 के लिए, जो 83 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है उस पे फिल्म बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन है मिमी, ये ग्रामीण क्षेत्र पर एक बहुत अच्छी मूवी है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कियारा आडवाणी को दिया गया है, ये भी सिरसा सूरी में ही है। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड अनुपमा को दिया गया है, रूपा गांगुली ने शायद इसमें जो है अभिनय किया है। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार अहान सेट्टी सुनील सेट्टी के पुत्र हैं ये, तड़प मूवी में। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार विशाल मिश्रा, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका में कनिका कपूर जो कोरोना लाई थी लखनऊ में, आप सबको याद होगा। सर्वश्रेष्ठ सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी, जिसने जिसने देखी है उसको अंदाजा है। द फैमिली मैन 2
फैमिली मैन 2 के लिए दिया गया है। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रवीना टंडन, इनकी बहुत अच्छी है अरण्यक, ठीक, वेब सीरीज, तो आप एक बार फिर देख लीजिए। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा दराइज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह सूरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कायरा अनवाड़ी, इन दोनों लोगों ने शेरशाह में जो है अभिनय किया है। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा, सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अहान सेट्ठी, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका गायक विशाल मिश्रा, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका कनिका कपूर, वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रवीना टंडन अरण्य। बहुत सारे और कैटेगरी हैं, बट जो है इसमें आपको बहुत कम ही पढ़ना है, जो जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू।